तो दोस्तों नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए सो एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है जी की आने वाली वैकेंसी का एक अपडेट निकल कर आया है बताया जा रहा है इस वैकेंसी का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गया है कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और अनाउंस कर दिया जाएगा इस डेट से आप लोग जो है फॉर्म भर पाएंगे ठीक है कुल मिलाकर सोलह पदों के लिए यहाँ पर बहाली निकाला जाएगा और इस क्या क्या पोस्ट है किन किन पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी आएगी सारे डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एज लिमिट क्या रहेगा सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी इसमें वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से ज़रूर देखिएगा चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ बात कर लेते हैं नोट यहाँ पर जो आप लोगों का न्यूज़ निकल कर आई है जो कि ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है जहाँ पर बताया गया कि नगर विकास विभाग में सोलह पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया देखिए प्रारंभ हो गई है इस न्यूज़ में बताया गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग में सोलह पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शीघ्र ही इन पदों के लिए परीक्षा की तिथियों की घोषणा की जा सकती है विभाग से सोलह पदों की अधियाचना कर्मिक विभाग को भेजी गई थी जिसे उसी रूप से कर्मिक विभाग की ओर से कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है यानी कर्मचारी चयन आयोग अब परीक्षा की तिथियों की घोषणा करेगा और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तैयारियों को जो है अंजाम तक पहुंचाएगा चलिए सो हम लोग बात करेंगे क्या क्या जो आप लोग का पोस्ट निकल कर आया है इन सभी वेकें इस वेकेंसी में ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो पोस्ट आप लोग का है वेटनरी सहायक चिकित्सक के लिए सत्ताईस पोस्ट रहेगा निम्न वर्गीय लिपिक के लिए दो है स्टेनोग्राफर का सत्ताईस है निम्न वर्गीय लिपिक का छियानवे पोस्ट है प्लानिंग असिस्टेंट का पाँच पोस्ट है गार्डन अधीक्षक के लिए बारह पोस्ट वेटनरी ऑफिसर के लिए दस पोस्ट विधि सहायक के लिए छियालीस पोस्ट सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए चौबीस पोस्ट सेनेटरी एंड सुपरवाइजर के लिए छः पोस्ट आगे देखिए पर राजस्व निरीक्षक के लिए एक पोस्ट स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए पचपन पोस्ट पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए सोलह पोस्ट कन्या अभियंता विद्युत के लिए सोलह पोस्टियंता के लिए एक पोस्ट कन्या अभियंता यांत्रिक के लिए इक्यावन पोस्ट यानी कुल मिलाकर आप लोग का सोलह सौ पदों के लिए वैकेंसी आएगी यदि देखिए नगर विकास एवं आवास विभाग में पहले जो है 900 प्लस पोस्टों के लिए मतलब वैकेंसी निकाला गया था लेकिन इस बार जो है वैकेंसी आप लोग का जो है संख्या बढ़ा दिया गया है ठीक है इसके लिए दोस्तों आप लोग का एज लिमिट क्या रहेगा तो देखिए न्यूनतम आप लोग का 21 वर्ष आप लोग का एज लिमिट रहेगा जहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा देखिए 25 एक 2016 के अनुसार यहाँ पर गणना की जाएगी जो कि जनरल के लिए 35 वर्ष और ध्यान रखिएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग बी सी और बी सी के लिए यहाँ पर देखिए सैंतीस वर्ष रहेगा महिला जो कि जनरल ओ के लिए जनरल ओ के लिए देखिए अड़तीस वर्ष एस सी के लिए यहाँ पर देखिए चालीस वर्ष आप लोग का जो है एज लिमिट रहेगी क्वालिफिकेशन और सैलरी की बात कर ले दोस्तों देखिए कुछ कुछ पोस्ट के लिए हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देखिए बताने वाले हैं हालांकि सभी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन रहने वाला है ठीक है चलिए बात करते हैं यहाँ पर गार्डन अधीक्षक के लिए जो कि पे मेट्रिक्स लेवल देखिए पैंतीस से लेकर के एक पेमेंट दी जाएगी पे लेवल सिक्स के अनुसार ठीक है जो भी कैंडिडेट जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेजुएसन किए हुए हैं कृषि विज्ञान से हॉर्टिकल्चर से वानिकी में तो आप लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकेंगे वेटनरी ऑफिसर के लिए जो कि उन्नीस हज़ार नौ सौ से लेकर के तिरसठ हज़ार दो सौ पेमेंट पे लेवल टू के अनुसार यहाँ पर भी देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका लेकिन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में आगे देखिए तो सैनिटरी फूड एंड इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर देखिए जैसे कि पच्चीस हज़ार पाँच सौ से लेकर के इक्यासी हज़ार पेमेंट आप लोग को यहाँ पर दी जाएगी और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मतलब पीजी डिग्री किए हुए जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन हाइजीन या फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन, इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन से यानी पीजी डिग्री आपका इसमें चाहिए दोस्तों जो जो हम आपको फील्ड बताएं उस फील्ड में तभी आप लोग जो है देखिए फूड इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर सकेंगे सभी पोस्ट के लिए मेरे पास जानकारी नहीं है अभी फिलहाल मतलब क्वालिफिकेशन लेकिन जितना है आपको बता रहे हैं सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए देखिए एक हज़ार सात सौ से लेकर के उनहत्तर हज़ार आप लोगों को देखिए पेमेंट दी जाएगी और जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन किए हुए हैं ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटरी यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं डिप्लोमा इन वाटर सैनिटरी एंड हाइजीन से तो आप लोग जो है आवेदन कर सकेंगे सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए राजस्व निरीक्षक के लिए यहाँ पर देखिए पच्चीस हज़ार पाँच सौ से लेकर के इक्यासी हज़ार पेमेंट दी जाएगी जो भी कैंडिडेट कॉमर्स uh, से अर्थशास्त्र से यानी इकोनॉमिक से गणित से सांख्यिकी गणित uh, सांख्यिकी uh, से अगर यदि आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकेंगे ठीक है सांख्यिकी स्टैटिक ध्यान रखिएगा विधि सहायक के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनतीस से लेकर के बिरानवे पे पेमेंट दी जाएगी लॉ में अगर यदि ग्रेजुएट किए हैं तो आप लोग जो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकेंगे ठीक है तो दोस्तों अप्लाई डेट आप लोग को जो है जल्दी अपडेट किया जाएगा जैसे वैकेंसी आती है जी एस एस वेबसाइट पर तो आपको जो है अनाउंस कर दिया जाएगा चैनल पर तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो चैनल को और एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों धन्यवाद